खार्किव पर रूस का बहुत बड़ा हमला हुआ है। जी हाँ, रूस के हमले में शॉपिंग सेंटर पूरी तरीके से तबाह हो गया है। रूसी हमले में शॉपिंग सेंटर में भीषण आग लगी है। हमले में 6 लोगों की मौत भी हो गई और 40 लोग इस हमले में घायल हो गए हैं। और खार्किव में जो सर्वनाश हो रहा है इससे जुड़ी बड़ी खबर, खार्किव हमले का एक और वीडियो सामने आया। आसमान में दूर तक दिखाई दिया आग और धुएं का गुबार। हमले के वक्त शॉपिंग सेंटर में 200 लोग मौजूद थे। जिस वक्त यह हमला हुआ शहर में हर तरफ अफरा तफरी का माहौल नजर आ रहा। तो ये देखिए खार्किव की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पहले खार्किव की डिफेंस लाइन को तोड़ा गया और अब कैसे खार्किव के अंदर रूस की तरफ से बड़े हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। एक और ये वीडियो है जो शॉपिंग सेंटर में हमला किया गया। आसमान में दूर तक आप देख पा रहे हैं आग और धुआं नजर आ रहा है। हमले के वक्त शॉपिंग सेंटर में 200 लोग मौजूद थे और फिर वहां पर भगदड़ और अफरा तफरी मच गई जान बचाने को लेकर। तस्वीरें आपके सामने, रूस किस तरह से आक्रामक हो गया है। और देखिए लगातार ये क्यों कहा जा रहा है कि अब ये आखिरी अटैक है, और ये इसलिए क्योंकि अटैक कहां हुआ, हमला और कहां कहां पर तबाही हुई ये भी आपको बता देते हैं, और किस तरीके से हमला किया गया ये भी हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले बात आपको बता दें कि 2 एंटी एयरक्राफ्ट शॉपिंग सेंटर पर दागे गए 15,000 वर्ग मीटर में पर, ये आपको बता रहे हैं। तबाही आपको कितनी हुई है ये भी आपको बता रहे हैं। देखिए मिसाइल जहां पर लगातार सर्वनाश किस तरीके से हुआ है, 2 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल गिराई गई। हमला कहां हुआ, शॉपिंग सेंटर पर तबाही। 15,000 वर्ग मीटर में फैली आग, यहां देखिए इतना बड़ा अटैक किया गया कि आग अब भी बुझने का नाम नहीं ले रही। और देखिए तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। जरूरी बात क्या है, जिस वक्त यह हमला हुआ शॉपिंग सेंटर में 200 लोग मौजूद थे जिनकी जान पर आन बनी। हमले के बाद शॉपिंग सेंटर में कई लोग फंस गए, किसी तरह से लोग वहां से भागते हुए आपको नजर भी आ रहे हैं। खार्किव में रूस यूक्रेन के बीच इस वक्त भीषण जंग चल रही है। रूस हर हालत में पूरे खार्किव पर कब्जा कर लेना चाहता है और इसलिए के बाद एक बड़े हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। और इसी पर हम बात करते हैं क्या रणनीति नजर आ रही है। हमारे साथ जो खास मेहमान बने, सबसे पहले उनका परिचय आपको करा दें। ब्रिगेडियर रिटायर्ड शरदेंदु सर हमारे साथ एज अ डिफेंस एक्सपर्ट मौजूद हैं। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड ओपी तिवारी सर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट और प्रोफेसर सतीश कुमार एज अ विदेश मामलों के जानकार फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले शरदेंदु सर मैं आपका रुख कर रहा हूं। हमने देखा कि पहले जो खार्किव डिफेंस लाइन उसको ब्रेक किया गया और अब तो अंदर के जो इलाके सिविलियन इलाके शॉपिंग सेंटर किसी को नहीं छोड़ा जा रहा, सिविलियंस तक पर हमला किया जा रहा है। देखिए जहां तक रूस के ऑफेंसिव का सवाल है, खार्किव में रूस पूरी तरीके से कंट्रोल की सिचुएशन में है। वो जब चाहता है इम्प्यूनिटी के साथ जिस टारगेट को तबाह करना चाहता है वो करता है। अब देखिए इसका लाइव एग्जांपल है जिस तरीके से उसने शॉपिंग सेंटर में अटैक किया। देखिए ये दिखाता है कि इस समय यूक्रेन को सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है, उसका एयर डिफेंस सिस्टम पूरा चमरा गया है। उसने बहुत पहले ही 5 से 6 बैटरीज की डिमांड की थी कि उसको पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम चाहिए जो इस तरीके के जो अटैक है उसको वो नाकाब कर सके, लेकिन ये अभी तक सप्लाई उसको मिली नहीं। ये उसकी बहुत लॉन्ग टाइम की डिमांड है। और आज की डेट पे जो यूक्रेन में है एमनीशन की बहुत कमी है, साजो सामान हथियार जो लड़ाई जिससे लड़ी जाती है उसकी बहुत ज़्यादा कमी है। लोगों में उत्साह है, सोल्जर उनके लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन उनके पास मिलिट्री हार्डवेयर नहीं बचा है, एमनीशन नहीं बचा है। इसका पूरा पूरा एडवांटेज देखिए रशिया उठा रहा है और बिल्कुल इम्प्यूनिटी के साथ जिस टारगेट को वो स्ट्राइक करना चाहता है वो स्ट्राइक कर रहा है। और साथ में देखिए रूस ने बोला भी है कि हम सीज फायर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आज की जो मौजूदा स्थिति है सैनिकों की उस पर सीज फायर होगा, जितना एरिया हमने कैप्चर कर लिया हमारा है और उसके बाद हम पीस की बात करेंगे। लेकिन ये प्रपोजल यूक्रेन को एक्सेप्टेड नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से रशिया आज की डेट में पूरी तरीके से डोमिनेट कर रहा है। और ये आज बिल्कुल सर यही तो बात कही जा रही है कि अब रशिया डोमिनेशन पे आ गया और उसके ऑफेंसिव जो है बहुत ज्यादा मजबूत तरीके से वो आगे बढ़ा।